Hello students, myself G.S. Chauhan, Team Botany, CLC Seeker. We are continue in discussion of Dangal 2, जहाँ पर बॉटनी के फुल सिलेबस के सभी क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि CLC के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पूर्व में भी पहले भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं. स्टूडेंट इन्हें यूट्यूब चैनल के जरिए CLC सीकर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इन्हें फॉलो कर सकते हैं. अब जो दंगल की टेस्ट सीरीज जो यूनिक कंसेप्ट है CLC का, जहाँ पर 10 पेपर फुल सिलेबस फ्रेम किए गए हैं और इसमें वही क्वेश्चन वही पैटर्न उस टाइप के फ्रेम किए जा रहे हैं जो मोस्टली पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ये कोशिश की गई है कि या तो उसी के आसपास या लगभग वही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिले. जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो यहाँ फ्रेम किए गए हैं. टोटल 10 फुल सिलेबस के जरिए आपको इस सक्सेस के लिए एक और स्टेप में आगे बढ़ना है. नो डाउट आप इन्हें फॉलो करते हैं तो ये सक्सेस आपकी 100% सिक्योर हो सकती है और आप अपने बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो. नो डाउट आप पहले भी बायोकैम DTS को हमारे प्लेटफॉर्म से फॉलो किया है, आपने काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस किया है, DCM के क्वेश्चंस आपने फॉलो किए हैं और अब ये लास्ट टाइम है जहां पर हम और मच बेटर तरीके से अपने फाइनल जो स्टडी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को 100% सिक्योर बना सकते हैं. आइए हम लोग डिस्कस करते हैं दंगल 2, जिसमें आपके टोटल NCERT बेस क्वेश्चन फ्रेम हैं. ये 2nd है जुलाई 6 को ये कंडक्ट किया जा रहा है. इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो साइनोबैक्टीरिया से. हम भली भांति जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में स्टडी कराया जाता है, जहां ये यू बैक्टीरिया से काफ़ी चीज़ों में वेरिएबिलिटी शो करते हैं. तो हम इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नीचे दिए गए चित्र में तंतुमय नीलहरित शैवाल है, ये एक शैवाल दिखाई दे रही है. NCERT में अगर अपन जाएं तो ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है और इसमें जो डिफरेंट ए और बी जो पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है उन्हें हमको आइडेंटिफाई करना है. क्या ये कोशिका झिल्ली हो सकती है? कोशिका झिल्ली नहीं है. ए जो पॉइंट है कोशिका झिल्ली नहीं है क्योंकि ये आउटर सरफेस पर हमें नजर आ रहा है. तो वास्तव में देखा जाए तो इसके ऊपर आपको एक और स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ये इस तरीके से है. यहाँ अगर मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूँ तो ये ए स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया है कि ए ये क्या है और यहाँ जो अंदर की तरफ ऐसे कुछ स्पेशल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है तो इसको बी मेंशन किया जा रहा है. तो क्या ये कोशिका झिल्ली है? नहीं, ये म्यूशलेजनस सीथ है. श्लेष्मी आक्षत मतलब म्यूशलेजनस, ये सीथ है. उसके बाद में आपका नॉस्टॉक का हेट्रोसिस्ट है, ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है और ये जो बी है वो हेट्रोसिस्ट है जो कि खास तौर से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाई होता है. इसमें काफ़ी यूनिक मॉडिफिकेशन होते हैं. कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसमें फोटोसिस्टम 1st और 2nd टोटली एबसेंट होते हैं बिकॉज यहाँ नाइट्रोजनेज वर्क करता है और नाइट्रोजनेज हमारे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम कर सकता है, इसीलिए इसमें खास तरीके के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं. क्या ये कोशिका भित्ति हो सकती है? नहीं, ये कोशिका भित्ति नहीं है. स्पोर्स बी नहीं हो सकता. श्लेष्मी आक्षत यस हो सकता है. सभी साइनोबैक्टीरिया में क्या हेट्रोसिस्ट हो सकता है? ये एक यहाँ समझने लायक चीज़ है. हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस सभी साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स में नहीं पाई जाती है, ये कुछ स्पेशल साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स में ही हमें देखने को मिलती है जिसमें नॉस्टॉक है, एनाबीना है, रेबुलेरिया है, इन्हीं में ये प्रेजेंस होता है. इसके लिए कह सकते हैं कि हम ए 2nd करेक्ट आंसर अपना बनता है यहाँ पर.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें किस तरीके से चलती हैं। गलत कथन का चयन कीजिए, मार्क इनकरेक्ट मैच। नॉस्टॉक क्या इसमें क्लोरोफिल ए होता है, एब्सेंट होता है? तो क्लोरोफिल क्या इसमें एब्सेंट होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट नहीं होता है, ये बात ध्यान देने लायक है। यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, इवन क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस होती है अगर हम समझे तो। देखो क्लोरोफिल ए वहीं पाया जाता है जहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। नॉस्टॉक एनाबीना जो भी साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, इनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल ए है। अच्छा जी, तो अनुपस्थित कहा गया, तो एक तो यहां पर ये गलत हो जाए। एससीपी मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल प्रोटीन में आता है। सिंगल सेल प्रोटीन में स्पाइरुलिना, क्लोरेला, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, इनका एनसीईआरटी में मेंशन है। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्री, इसको और आगे बढ़ाया जाए तो ये एक जेंथोमोनास की सिट्री स्पीसीज है, उसके जरिए कंडक्ट होता है। एनसीईआरटी ने सिट्रस कैंकर ये डिसीज हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। हमारा एक फर्ज बनता है कि हमें उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की जानकारी होना चाहिए। ये एससीपी है, अधिकतम इसमें प्रोटीन पाई जाती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और अपने लिए ये भी सही है। ये फर्स्ट अपना रॉन्ग होता है, आंसर इसका करेक्ट जा रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए, गलत मिलान को हमें देखना है। गलत मिलान फिर से पहचानना है। डेसमिस क्राइसोफाइट्स, गोनियोलेक्स डायनोफ्लेजलेट्स, पेलिकल यूग्लिनॉइड, प्रकाश संश्लेषी प्रोडिस्टा, अवंग कवक। एक्चुअली ये स्लाइम मोल्ड हैं। क्या हैं? स्लाइम मोल्ड। और स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? ये एक पैरासाइट सेप्रोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स हैं तो ऑब्वियसली हम 100% ये बात कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी प्रोडिस्टा तो नहीं है। प्रकाश संश्लेषी प्रोडिस्टा में हम रखते हैं आपके डायनोफ्लेजलेट, डायटाम्स, यूग्लिनॉइड्स। ये एनसीईआरटी बेस पर बात की जाए तो ये तीन प्रकाश संश्लेषी प्रोडिस्टा हैं, फोटोसिंथेटिक मेंबर ऑफ प्रोडिस्टा हैं, लेकिन ये टोटली रॉन्ग बनता है, तो इसलिए फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किसे जीवों का परिभाषित लक्षण के रूप में सम्मिलित किया गया? बढ़िया है, ये व्हाट आर लिविंग्स में है, उसके अंदर चार खास करैक्टर दिए गए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा रहा है। याद रखना, मेटाबॉलिज्म को तो बिना किसी अपवाद के जीवों का परिभाषित लक्षण कंसिडर किया गया है, तो जहाँ मेटाबॉलिज्म होगा वो ऑप्शन अपने लिए सही बनता है। तो मेटाबॉलिज्म हमें दो जगह नज़र आ रही है, ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो इंक्लूड नहीं है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन इंक्लूडेड नहीं है, संवेदनशीलता और ये उपापचय, इन्हें रखा गया है, रिप्रोडक्शन को नहीं रखा गया, इस वजह से यहाँ गलत हो रहा है। यहाँ भी रिप्रोडक्शन है तो इस वजह से गलत हो जाता है। याद रखना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन दोनों को परिभाषित लक्षण कंसिडर नहीं किया गया है, जबकि कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म इन दोनों को परिभाषित लक्षण कंसिडर किया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो हमारे लिए इसमें भी करेक्ट आंसर ये सेकेंड बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और यहां पर देखते हैं। डायटमी मृदा समुद्र में किसके जमाव द्वारा बनती है? तो कहा जाता है बिलियंस ऑफ ईयर डायटम जिस हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं वहीं पर उनकी डेथ होती है, और अल्टीमेटली उनका धीरे धीरे एक्युमुलेशन हमें सॉयल में देखने को मिलता है। इससे डायटमी अर्थ यानी कि डायटमीसिस सॉयल का फॉर्मेशन होता है, और इसके ग्रिटी नेचर की वजह से इसे अदर अदर फंक्शन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में, ऑयल फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, एनसीईआरटी कहती है। तो वो सिलिकॉन की वजह से ये डायटमीसिस अर्थ का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर ये फर्स्ट ही बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वह खाने योग्य कवक जो अपने लैंगिक बीजाणु को अंतःजाल मतलब एंडोजीनसली प्रोड्यूस करती है। देखो आपको यहां पर नंबर वन सेक्सुअल स्पोर्स हैं, एंडोजीनस प्रोड्यूस होते हैं, और यहां फंगस की बात हो रही है, तो फंगस में अच्छा वो खाने योग्य भी है, क्या एगेरिकस हो सकता है? एगेरिकस एक्चुअली ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। किसका है? बेसिडियोमाइसिटीज, और बेसिडियोमाइसिटीज का होने के नाते ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, एक जर्म ट्यूब बनती है वहां पर, ये इस तरीके से चार एक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं, तो ये हो नहीं सकता। पक्सिनिया बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, ये भी नहीं होगा। टाइकोडर्मा ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते ही नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे लिए राइट आंसर मोरेल्स बन जाते हैं। मोरेल्स एंड ट्रफल्स दे आर एडिबल फंजाई ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के ये खाने योग्य कवक हैं, इसीलिए हमारे लिए करेक्ट आंसर ये थर्ड ही बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से है, यहां पर कौन सा कवकों का समूह एस्कोमाइसिटीज में, किसमें? एस्कोमाइसिटीज में रखा जाता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है एस्कोमाइसिटीज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट कौन सा कवक समूह जो कि एस्कोमाइसिटीज में सम्मिलित किया गया है, विच ग्रुप ऑफ फंजाई बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज, बताइए। एस्कोमाइसिटीज में क्या एल्बिगो रखोगे? एल्बिगो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, आपका एगेरिकस बेसिडियो का है, एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज का है, क्लेबिसेप्स एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज, मोरेल्स एस्कोमाइसिटीज, तो हमें करेक्ट आंसर तो यही मिल जाता है। पक्षीनिया बेसिडियोमाइसिटीज है, आपके अस्टिलेगो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, तो इस तरीके से हमारे लिए करेक्ट आंसर आपके लिए हम सबके लिए सेकंड ही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्लोरोफाइसी के अधिकांश सदस्य के डॉट 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 में पायरिनॉइड मौजूद होते हैं, पायरिनॉइड की प्रेजेंस कहाँ होती है? तो पायरिनॉइड की प्रेजेंस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लियर? जैसे अपन बात करें, ये क्लेमाडोमोनास, क्लेमाडोमोनास में अपन को यहाँ एक क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ये क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं कप शेप होता है, और कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर पायरिनॉइड की प्रेजेंस होती है, इस हिस्से को हम कहते हैं पायरिनॉइड, पायरिनॉइड इसमें सिंगल पायरिनॉइड की प्रेजेंस पाई जाती है क्लेमाडोमोनास में, इनकी संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसके में जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा सेकंड राइट आंसर बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारे पायरिनॉइड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अंतर्वेशी विभाजित, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज डिराइव फ्रॉम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम किससे बनते हैं? तो कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक्चुअली नोडल मेरिस्टेम है, देयर प्रेजेंस इन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच में पाई जाती है। कहा जाता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर रिमेनिंग पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच गेट सेपरेट ड्यूरिंग एलोंगेशन ऑफ स्टेम। कहा जाता है कि जब स्टेम में लंबाई में ग्रोथ चल रही थी तब एपिकल मेरिस्टेम का कुछ हिस्सा नोड रीजन पर छूट जाता है, उसी को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हुआ? एपिकल मेरिस्टेम का ही रिमेनिंग पार्ट हुआ। तो शीर्षस्थ विभज्यो तक का जो पार्ट है वो हमें अग्रस्थ विभज्यो तक देखने को मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेम से डराइव्ड हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम इस हिस्से में यहाँ मौजूद होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की प्रेजेंस यहाँ होती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम का
वही इंटर कैलरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम किससे प्रोड्यूस हुआ है? एक्चुअली ये आपके एपिकल मेरिस्टेम से ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, निम्न में से कौन सा एक जीवित यांत्रिक ऊतक है जिसमें पैक्टिन का जमा होता है? पैक्टिन का डिपोजिशन कौन से मैकेनिकल टिश्यू में होगा? देखो मैकेनिकल टिश्यू के नाम पर दो ही टिश्यू बताए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है। तो पैक्टिन का डिपोजिशन हमेशा कॉलिन कायमा में होता है, जबकि लिग्निन का डिपोजिशन हमें स्क्लेरन कायमा में देखने को मिलता है। स्क्लेरन कायमा डेड मैकेनिकल टिश्यू है, जबकि कॉलिन कायमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कंसिडर होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो करेक्ट आंसर बनता है वो कॉलिन कायमा बनता है। क्या बनता है? कॉलिन कायमा। तो इसका थर्ड आंसर हमारे लिए करेक्ट बनता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये, पादप जिनके पुष्प में उपस्थित पुंकेसर के पुतंतु लंबाई में भिन्नता दर्शाते हैं। तो लंबाई में भिन्नता कहाँ दर्शाते हैं? देखो एक तो है मस्टर्ड, मस्टर्ड में दो होते हैं, इसमें चार टोटल होते हैं लेंथ वाले, इसे हम टेट्राडिडाइनमस कंडीशन कहते हैं। तो ये मस्टर्ड का करैक्टर है, ये सरसों का करैक्टर अपने लिए हो जाता है। और दूसरा दूसरा आपके लिए करैक्टर किसका बनता है? साल्विया। तो साल्विया में कहानी क्या है, इसमें आपके दो लंबे होते हैं और दो छोटे होते हैं, इसको डाइडिडाइमस कंडीशन बोलते हैं। तो ये साल्विया है और ये आपके लिए मस्टर्ड हो जाती है। ये अपने लिए साल्विया और ये आपके लिए मस्टर्ड। तो मस्टर्ड और साल्विया दोनों ही एक जगह जो आंसर बन रहा है वो अपना ये फोर्थ आंसर करेक्ट बनता चला जा रहा है। ठीक है, इनमें हमें जो फिलामेंट है उनकी लेंथ अलग अलग देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूले, फ्लोरल डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रेसिकेसी फैमिली एक्चुअली एनसीईआरटी ने डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन हाँ जहाँ फैमिली स्टार्ट हुई है वहाँ फर्स्ट पेज पर इसके डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दिए गए। तो ये जो डायग्राम है एक्चुअली ये ब्रेसिकेसी का है, या हम कहें तो मस्टर्ड का है। किसका है? ये मस्टर्ड है, ये मस्टर्ड का डायग्राम है। और जी ये जो है लिलिएसी फैमिली का डायग्राम है। तो सरसों हमारा ए हो जाता है और लिली हमारा सेकेंड हो जाता है। करेक्ट आंसर तो यहीं से मिलता है, ब्रेसिका। नो डाउट ब्रेसिका भी आंसर इसका हो सकता है, लेकिन सोलेनम का ये डायग्राम नहीं है इसलिए गलत है। मुलेठी फाबेसी की है, ये भी सेस्वानिया फाबेसी का हो नहीं सकता, ये भी और आपका फाबेसी का मेंबर होने के नाते चना, ये आंसर अपना करेक्ट नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट ही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कुछ इस तरीके से फ्रेम है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बढ़िया, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया या मेंबर ऑफ यू बैक्टीरिया। मोनेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें प्रोक्रियोटिक सेल होती है, प्रोक्रियोटिक होने के नाते इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होती है। तो यहाँ मेंबर नॉस्टॉक का एक ही नजर आ रहा है, बॉल बॉक्स यूकेरियोट है, यूकेरियोट है, यूकेरियोट है, तो यहाँ नहीं होगा। नॉस्टॉक में आपके यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हमें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके अतिरिक्त सभी में ये पाए जाते हैं? तो राइबोसोम आपको कहाँ मिल जाएगा? राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएंगे। राइबोसोम आपको बैक्टीरिया में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? बैक्टीरिया के अंदर मिल जाएंगे, लवक में मिल जाएंगे, आपके जीवी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ हमें राइबोसोम की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। ओके, अब तो राइबोसोम आपके जीवी में नहीं मिलेंगे, तो अपने लिए फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है,
बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कौन है, ये एक प्लासेंटेशन है। क्या है? प्लासेंटेशन, आपके एक्साइल, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल, उसमें से एक पैराइटल प्लासेंटेशन है। पैराइटल प्लासेंटेशन के नाम पर एनसीईआरटी ने दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, आर्चिमोन एंड मस्टर्ड, तो उनको अपन को सिलेक्ट करना है। निम्न में से कितने पौधे अंडाशय में अथवा बीजांड पाया जाता है, है ना, बीजांड्यास पाया जाता है, तो ये है अपने लिए पैराइटल, सीमांत, वो परिधीय, परिधीय या भित्तीय बोलते, परिधीय, या फिर हम इसे कह सकते हैं भित्तीय बीजान्यास, है ना। तो भित्तीय बीजान्यास हमें कहाँ मिलेगा? भित्तीय बीजान्यास हमें एक तो सरसों में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सरसों, और दूसरा कहाँ मिलेगा? आर्चिमोन के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो एक तो हो गया आर्चिमोन और दूसरा हो गया मस्टर्ड, सरसों में ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या टमाटर में मिल सकता है? एक्साइल मिलेगा, नींबू में एक्साइल मिलेगा, आपके गुड़हल में एक्साइल मिलेगा, डायंथस में फ्री सेंट्रल मिलेगा। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर ये दो बन जाते हैं, मतलब आर्चिमोन एंड सरसों, इन्हीं दोनों के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर प्रोटीन कौन सी होती है? लिंकर जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है? लिंकर प्रोटीन। तो लिंकर प्रोटीन ऑब्वियसली अपन जानते हैं कि ऑक्टामर के अंदर, ऑक्टामर जो होता है उसमें होते हैं H2A, H2B, H2B, H3, H4, ये तो यहाँ होती है। इसके बाद में एक H1 यहाँ होती है जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये इसे हम लिंकर स्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो H1 इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए बन जाता है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये है यहाँ 2C, 2C मॉडिफाई इन 4C, क्या 2C मॉडिफाई इन 4C, 2C मॉडिफाई इन 4C, ये क्वेश्चन है, और इसमें हम देख पा रहे हैं ये 2C है, ये 4C में कन्वर्ट हुआ है। तो अपना DNA कहाँ डबल हो जाता है? तो वास्तव में ये जो S फेज होती है, कौन सी फेज होती है? S फेज, यहाँ पर 2C मॉडिफाई हो जाता है 4C में। तो इस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, ये S फेज कहाँ आती है? इंटरफेज में आती है। मेटाफेज में क्या डबल होगा? नहीं। प्रोफेज में क्या डबल होगा? नहीं। एनाफेज में तो आधा हो जाता है, 2C बल्कि 4C 2C में कन्वर्ट होता है, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर फर्स्ट बनेगा, इंटरफेज में ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए ये, जीन विनिमय कहाँ पाया जाता है? तो जीन विनिमय की जो प्रेजेंस होती है वो हमें देखने को मिलती है पैकेटिन के अंदर। कहाँ देखने को मिलती है? पैकेटिन। देखो आजकल जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ये पैकेटिन वाले हिस्से से पूछा जाना कुछ न कुछ डेफिनेट है, मतलब प्रोफेज जो फर्स्ट होती है उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन सभी में कुछ न कुछ आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसलिए ये हिस्सा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक पॉसिबल है, जेनेटिक कोड से ये क्वेश्चन लिया गया है। जेनेटिक कोड में कहा गया है कि जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, कौन से कोडॉन? स्टॉप कोडॉन कौन से? स्टॉप कोडॉन के नाम पर अपन बात करें तो कोडॉन कॉजिंग चेन टर्मिनेशन, तो UAA, UAG, UGA, ये तीन को हम समापन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कहते हैं। इनके लिए कोई भी tRNA नहीं बनता, कोई भी अमीनो एसिड नहीं आता, इसलिए जब ये ए साइट पर पहुंचते हैं तो अल्टीमेटली जो पॉलीपेप्टाइडल चेन है उसका टर्मिनेशन डेफिनेटली कंडक्ट किया जाता है रिलीजिंग फैक्टर की प्रेजेंस में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है अपने लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं यहाँ रूपांतरण परीक्षण, बढ़िया ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, 12th के NCERT में एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च होती है उसके लिए ये स्टडी की जा रही है। तो वहाँ कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस
जो बैक्टीरिया थे उन पर ये प्रोसेस को स्टडी किया गया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो निमोनी डिसीज ये कॉज करता है, तो ये इस तरीके से हमारे लिए करेक्ट आंसर ये इकोलाई हो नहीं सकता। साल्मोनेला पर एक्चुअली ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रिफिथ के जरिए एक्सपेरिमेंट किया। पास्टोरेला पेस्टिस ये प्लेग डिसीज करता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा हमारे लिए, करेक्ट आंसर सेकंड ही बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की जो बढ़िया है, ये है ट्रांसक्रिप्शन वाले हिस्से से, जहाँ पर हमें कहा गया है कि द गिवन फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई सी, सी को आइडेंटिफाई करना है, मतलब इस हिस्से को आइडेंटिफाई करना है। तो कहा जाए तो ये हमारे लिए एमआरएनए है, क्या है एमआरएनए, और याद रहे एमआरएनए हमेशा 5-3 days डायजेशन में ही प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर इसका AUG यानी कि इनिशिएशन कोडन होगा, यहाँ आपके लिए UAA टर्मिनेटरी कोडन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपका जो सी पार्ट है ये इनिशियल पार्ट है, अभी फॉर्मेशन कंटिन्यू है, तो 5 end ऑफ mRNA, खास तौर से RNA है हमारे ऑप्शन में, तो वो ज़्यादा सही। टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट ये नहीं होगा, और 3 days एंड नहीं होंगे, करेक्ट आंसर हमारे लिए फर्स्ट ही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी को बताने के लिए एक ग्राफ दिया गया है, ये एंजाइम वाले हिस्से में। क्लियर, एंजाइम किसी भी मेटाबॉलिज को, रिएक्शन को कैसे इंड्यूस करता है, कैसे फास्ट करता है, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो दिए गए ग्राफ में एक्स तथा वाई द्वारा किया क्या निरूपित किया गया है, एक्स और वाई, यहाँ पर एक्चुअली ये आपके पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ आपको एनर्जी ज़्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ एनर्जी कम देखने को मिल रही है। तो एंजाइम क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है या रिएक्शन की जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे, उसके अमाउंट को कम कर देता है और इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये जो एक्स है यहाँ पर बिना एंजाइम की एनर्जी है, क्योंकि ज़्यादा चाहिए बिना एंजाइम के लिए सक्रियकरण ऊर्जा, और वाई एंजाइम के साथ सक्रियकरण ऊर्जा, तो ये फर्स्ट हमारे लिए करेक्ट आंसर बन रहा है। एक्स एंजाइम के साथ होती है तो ये ज़्यादा नहीं कम होती, ये नहीं हो सकता है, क्रियाधार के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्रियाधार सांद्रता के बिना एंजाइम, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विथ एंजाइम होगा, यहाँ गलत होगा, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम वाई, ये यहाँ गलत हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ठीक है विथ एंजाइम सही है, और ये विदाउट एंजाइम सही है, करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट ही बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, DNA के एक सूत्र से अनुवांशिक सूचनाओं का RNA में नकल, मतलब ये कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, है ना। तो DNA का जो आपके जो एंटी सेंस होता है ना, वो एक्चुअली जिसे हम टेम्पलेट भी कहते हैं, उस पर एक मैसेज होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का, वो आपका ट्रांसफ़र होता है mRNA पर, और mRNA से पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उस कंसेप्ट को कहा जा रहा है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अनुलेखन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA के बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो अपना करेक्ट आंसर हो रहा है फोर्थ, ट्रांसएमिनेशन ऐसा होगा नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन अनुवादन में एक्चुअली क्या होता है, mRNA से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम अनुवादन कहते हैं, लेकिन प्रतिलिपिकरण ये भी नहीं, ऐसा नहीं है। रेप्लिकेशन का मतलब है उसका उसी के फॉर्म में कन्वर्जन, ऐसा वहाँ अपन नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये अगला है 13%, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है। 13% तक अगर अल्कोहल हमें नेचुरल फॉर्म में ऑब्टेन करना है, तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हम नेचुरल फर्मेंटेशन के जरिए इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें बियर है, वाइन है, ये सब आपके
नेचुरल तरीके से ऑप्टेन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इससे हमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा चाहिए बेवरेज के अंदर, तो हमें फिर डिस्टिलेशन के प्रोसेस अपनानी पड़ती। तो कहने का मतलब ये हुआ, नेचुरल फॉर्म में एक्चुअली 13% ऑप्टेन होता है, फिर उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस कंडक्ट की जाती है और उससे 40%, 50%, 60% तक अल्कोहल ऑप्टेन किया जा सकता है। रम है, विस्की है, ब्रांडी है, इनमें। तो यहाँ पर सीधे डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम आंसर बनाएंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस से फर्मेंटेशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हो नहीं सकती। पाश्चराइजेशन ऐसा कुछ होता नहीं है, सैनिटाइजेशन ऐसा कुछ क्यों करेंगे, क्योंकि फर्मेंटेशन के जरिए आपको इस प्रोडक्ट को ऑप्टेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिंदु स्राव केवल तभी घटित होता है, कब घटित होगा, जब पादप को रखा जाता है। गटेशन का मतलब क्या, गटेशन का मतलब है कि एक लीफ है, सपोज ये लीफ है, इस लीफ में एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है हाइड्रोथोड के जरिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। गटेशन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली रूट प्रेशर के जरिए होती है। किसके जरिए, रूट प्रेशर, यानी कि रूट प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मिनिमम होंगे। तो मिनिमम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होंगे जब एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि तभी तो कहते हैं, जैसे रेनी सीजन है तो अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर प्लांट के सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और उस वजह से हमें गटेशन की प्रोसेस देखने को मिल जाती है। तो इसमें हम कह सकें ड्राई सॉइल, नो नॉट पॉसिबल। वायु वेग, अगर हवा होगी तो जो ड्रॉपलेट हैं वो एवोपरेट हो जाएंगे, फिर भी हमें गटेशन देखने को नहीं मिलेगा। आर्द्र वातावरण, हाँ ह्यूमिड एरिया होगा, रेनी सीजन हो, अर्ली मॉर्निंग हो, तो गटेशन आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ रूट प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ड्राई इन्वायरमेंट नॉट पॉसिबल, विंड नो, हाँ ये करेक्ट अपने लिए आंसर बनेगा, ड्राई सॉइल भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो इसका आंसर जो अपना करेक्ट बन जाएगा वो थर्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायवीय श्वसन। ये वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन एक्चुअली क्या है, बिंदु स्राव आ गया, नेक्स्ट चलते हैं, ये वायवीय श्वसन। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो वायवीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस से उत्पन्न NADH2, NADH2 दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ETS में कितने ATP मिल सकते हैं, एक NADH2 आपके लिए 3 ATP प्रोड्यूस करता है। तो जब ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, तो इस प्रोसेस के जरिए हम ETS में 6 ATP को टोटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके जो ATP हैं वो बाद में फिर फाइनल कैलकुलेशन में ऐड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब 12 ATP, 12 ATP पॉसिबल नहीं है, 6 ATP इसका परफेक्ट है। मतलब आपके लिए एक NADH2 जो होता है ना, वो ETS में जाके 3 ATP को प्रोड्यूस करता है, 3 ATP है ना। तो दो मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली 6 ATP हो गए, 8 ATP हो नहीं सकते, ये आंसर होगा नहीं। अल्टीमेटली हमारे लिए करेक्ट आंसर जो बनता है वो फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, एक अणु की लब्धि हेतु केल्विन चक्र कितने होंगे। एक ग्लूकोज अगर बनाया जा रहा है तो आपके लिए केल्विन चक्र कितने बार बढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि केल्विन साइकिल जो होती है ना वो 6 टाइम चलती है, हर बार एक एक CO2 को फिक्स किया जाता है और फाइनली वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो 6 टाइम आपके लिए CO2 फिक्सेशन होगा, और ऐसे ही अगर C4 साइकिल है तब भी 6 टाइम वहाँ आपके ये प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपके लिए बनता है 6 टाइम ये साइकिल आपकी बनेगी, और एक ग्लूकोज फॉर्मेशन में आपको अगर C3 साइकिल है तो उसमें 18 ATP और आपको क्या चाहिए, 18 ATP रिक्वायर्ड होंगे, प्लस आपको चाहिए 12 NADPH2, इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी इस 6 साइकिल को कंडक्ट करने में,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 178 क्वेश्चन नंबर है और इसमें हम बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में नहीं मिलता है। याद रहे ऑक्सिन जब हम हार्मोन स्टडी करते हैं तो वह नेचुरल और आर्टिफिशियल हार्मोन की बात होती है। याद रहे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये नेचुरल ऑक्सिन अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेचुरल ऑक्सिन में आपका एक तो आता है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA को भी हम प्लांट में ऑप्टेन कर सकते हैं, इसलिए IBA को आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, साइडोकाइनिन ओबियसली एक्टिव पार्ट में मिल जाएगा, IA मिल जाएगा, जिब्रेलिन भी मिल जाएगा, लेकिन 2,4-D आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल हार्मोन कंसिडर किया गया है। 2,4-dichlorophenoxyacetic एसिड ये एक हर्बिसाइड कंसिडर किया गया है। अगर ये कोई डाइकॉट प्लांट है, चौड़ी पत्ती वाले प्लांट हैं, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करने में यूज होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो मोनोकॉट क्रॉप्स होती हैं जैसे वीट है, आपका राइस है, उसमें एज ए इसे वीडिसाइड हर्बिसाइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्टीमेटली आपके लिए अगला क्वेश्चन है। कुछ अनाज जैसे कि चावल गेहूं, यानी कि ये मोनोकॉट की बात हो रही है, सम सीरियल्स लाइक द राइस वीट पोलन ग्रेन लॉस बायोबिलिटी विद इन कितने, एनसीईआरटी में लिखा है 30 मिनट, तो ये सीधे आंसर अपना से थर्ड या फोर्थ में से एक है। बट इन मेंबर ऑफ रोजेसी लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी पोलन बायोबिलिटी मंथ्स अप टू मंथ्स की बात करिए, हावर्स नहीं है, तो ये मंथ्स की बात करी जाएगी, तो इसलिए फोर्थ हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा, 30 मिनट कुछ महीनों, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इसका फोर्थ बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट होगा 180 में है आपके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। प्रांकुर चोरमुला, ये बढ़िया मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ एक डेफिनेटली इस एरिया से क्वेश्चन बनता है। मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है, जहाँ पर चार टर्म आपको याद रखना है, कोलियोपटाइल, कोलियोराइजा, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट पर क्वेश्चन बन सकता है, स्कुटेलम, स्कुटेलम जो कि सिंगल कॉटिलेडन है मोनोकॉट एम्ब्रियो की, उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये मोनोकॉट में खासतौर से होगा, कैस्टर में नहीं होगा, मटर में डाइकॉट है नहीं होगा, सैम भी डाइकॉट है, तो घास कुल यानी कि ग्रेमिनी, ग्रेमिनी के अंदर फैमिली के अंदर जो भी मेंबर आएंगे, जिसमें कि वीट हो सकता है, जिसमें कि राइस आपके लिए हो सकता है, वहाँ इसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। ग्रेमिनी फैमिली को हम ग्रास फैमिली को ग्रेमिनी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पोएसी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करी जाए तो लंबे फीते जैसे पराकण, ये कुछ इलोंगेटेड इस तरीके के पराकण हैं, इस पर म्यूकस की कवरिंग होती है, कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कायदे से जोस्टेरा के अंदर होते हैं, जहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली पाई जाती है, पानी के अंदर होते हैं, इसीलिए उस पानी के अफेक्ट को रोकने के लिए इनके ऊपर म्यूकस का लेयर बनाया जाता है। ये खास तरीके का नेचर का अडप्टेशन है, तो जल परागण इसके लिए परफेक्ट है, इनमें पोलन किट होता है, पक्षी परागण में ऐसा नहीं होता, वायु परागण में तो स्टिकी नेचर के नहीं होते, एक्चुअली पोलन ग्रेन ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं और वहाँ इसीलिए वो हवा में फ्लोट करके ट्रांसफर की प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझें। यहाँ कहा गया है बोथ ऑटोगेमी एंड जेट्रोनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन, किस में रोक सकते हो? ऑटोगेमी का मतलब है, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, ये एक सपोज आपके लिए प्लांट है, ये अगर एक फ्लावर यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे गायनोशियम है और यहाँ इसके स्टेमेन है, ये अगर इसके पोलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं तो वो तो आपकी कहलाएगी ऑटोगेमी, क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन, एक ही फ्लावर। अगर दूसरा फ्लावर आपका यहाँ है
और इसकी स्टिग्मा यहाँ पर प्रेजेंस है और ये पोलन ग्रेन उड़ते हुए यहाँ आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिटोनोगेमी। तो ये आपके लिए जिटोनोगेमी है, सजात पुष्पी परागण, और ये ऑटोगेमी है। उसी फ्लार, एक ही फ्लार के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, सजात पुष्पी मतलब स्वयुग्मन, और सजात पुष्पी का मतलब है एक ही प्लांट पर दो फ्लार है, उनके बीच में पॉलिनेशन। तो ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ प्रिवेंट कर सकते हो आप, या कहाँ हो सकती है, वो पपाया के अंदर हो सकती है। पपाया का जो प्लांट होता है उसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, इसलिए दोनों ही प्रोसेस ये पपीते के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगी, यानी कि ये प्रिवेंट की जा सकती हैं, वो है पपाया। कैस्टर में नहीं, आप कैस्टर में एक्चुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ समझ लीजिए, कैस्टर में आप ऑटोगेमी रोक सकते हो लेकिन जिटोनोगेमी नहीं रोक सकते हो। कुकुम्बर में भी ऐसा ही होता है, मेज में भी होता है, इन तीनों के अंदर ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी लेकिन आपके जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमारे लिए करेक्ट आंसर फर्स्ट बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो निम्न कौन सा एक अनुन्मील, बढ़िया, अनुन्मील मतलब क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमी किसमें पाई जाती है? तो क्लिस्टोगेमी पाई जाती है आपके ऑक्सेलिस, बायोला, कोमेलाइना, इसमें, इसके साथ साथ में मटर के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पर हमें एक बायोला इसका एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, एनसीईआरटी में दिया है, बाकी किसी में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ओबियसली हमारे लिए करेक्ट आंसर ये सेकेंड बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन स्टडी करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से लिया जा रहा है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं 12th के सेगमेंट से, यहाँ पर इस एरिया से। तो यहाँ पर सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर, आपको असुमेलित को चुनना है। साइक्लोस्पोरम बहुत पूछा जाता है, ट्राइकोस्पोरम, पॉलीस्पोरम, एसिडोबैक्टर एसिटी, ये देखो ये रॉन्ग स्टेट आपकी मैचिंग हो रही है, एसिडोबैक्टर एसिटी नहीं, एसिडोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड को बनाता है जिसको हम सिरका या विनेगर के नाम से जानते हैं। ये आपका मिसमैच हो रहा है, लाइपेट डिटर्जेंट में बढ़िया है, ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। तो अल्टीमेटली हमारे लिए जो रॉन्ग मिसमैच पेयरिंग हो रही है वो सेकंड है। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर भी आपके लिए यही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एकल, ये भी अच्छा है, सिंगल सेल प्रोटीन वाला सेगमेंट है, डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन देता है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, नीट में क्वेश्चन भी बना है, स्पायरुलिना, स्पायरुलिना पर कंफ्यूज मत होना, स्पायरुलिना एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया का सब मेंबर है, क्लोरिला एक यूकेरियोटिक सेल एल्गी है। तो यहाँ नोस्ट्रो कौन है, एससीपी के नाम पर हम पढ़ते हैं, एक तो अपना आता है क्लोरिला, एक आता है स्पायरुलिना, ये आपके एससीपी में कंसिडर नहीं होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं लेकिन आपके ये नोस्ट्रोक है ना भी ना ऐसा काम नहीं कर सकते। बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड हमारे लिए परफेक्ट आंसर बनता है, जो एससीपी हैं आपके लिए प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, हाँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का जो न्यू पैटर्न है उसके बेसिस पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगला जो सेगमेंट फ्रेम किया जाता है, नो डाउट आप इनको भी केयरफुली देंगे, माइनस मार्किंग यहाँ पर भी अप्लाई होगी, लेकिन चीज ये भी है कि कुछ च्वाइस है, आप वैसे तो सभी को आपको सॉल्व ही करना है लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। किसी वांछित प्रोटीन का उत्पादन विषम जात, बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले हिस्से में लिखा गया है कि अगर सपोज हमने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया है बैक्टीरिया में, इंसुलिन हम जीन को इंसर्ट करते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से प्लाज्मिड में और प्लाज्मिड से होस्ट में डाल देते हैं, तो अब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ चल रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, तो हम इसे, इस प्रोटीन को क्या कहेंगे, इसे एक तो फॉरेन प्रोटीन कह सकते हैं, इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट तो नहीं कहोगे, हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जरूर कह सकते हैं, नॉन नहीं कहेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन नहीं कहेंगे, लार्ज प्रोटीन का मतलब ही नहीं है, फोर्थ हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए ये,
जो आपके स्क्रीन पर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए प्रयुक्त है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप जानते हो डीएनए नेगेटिव चार्ज है, एनोड की ओर पास आउट होता है। अगर वो जेल यहाँ पर एक सीव इफेक्ट की तरह वर्क करता है, तो सीव इफेक्ट की तरह वर्क करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार पर डीएनए खंडों को उसके आधार के बेसिस, आकार के बेसिस पर जो सबसे छोटा होगा वो भागता हुआ या मूव करता हुआ एनोड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी इस तरीके से साइज के बेसिस पर डिफरेंट सरफेस पर सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस। बढ़िया है, अग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने कर ली, इसमें इथिमिडियम ब्रोमाइड को ऐड कर दिया, उसके बाद यूवी रेज पास की, तो फिर आपको कलर कौन सा मिलेगा? ऑरेंज, एनसीईआरटी में लिखा है नारंगी कलर मिलेगा, तो नारंगी हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा सेगमेंट है ये, यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन है बिलोडन हॉज। देखो यहाँ ये मैंने पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की समझी है, क्योंकि इस एरिया से नॉर्मली कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस एरिया से आपके लिए आने वाले नीट में क्वेश्चन मिलना चाहिए। जो बिलोडन होता है, मतलब उसमें जो ब्लेड्स पड़ी होती हैं हॉज के अंदर, मीन्स बायोरिएक्टर के अंदर, वो एक्चुअली पूरे मीडियम को रोटेट करती हैं, और उस वजह से हर बैक्टीरिया को एप्रोप्रिएट हैबिटेट मिलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, फूड मिलता है। तो कायदे से इसमें जो अपना जा रहा है संपूर्ण प्रक्रिया में O2 की उपलब्धता बनी रहती है। यहाँ पर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव ऐसा कुछ है नहीं, प्यूरिफिकेशन तो ये लास्ट डाउन स्ट्रीमिंग है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, हमारे लिए करेक्ट आंसर फर्स्ट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबल एरिया है ये आपके हाइपोगाइनस फ्लावर, ये एपीगाइनस फ्लावर है, इसमें ओबरी इन्फीरियर कंडीशन में है, इन्फीरियर ओबरी याद रखना कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है, कुकुम्बर लीफो है इनमें। इसके बाद में ये हमें अनार में मिलती है, अमरूद में देखने को मिलती है, तो ये हमें कहाँ मिलेगी? अमरूद के अंदर आप बड़े आराम से देख सकते हो। बैगन में ये नहीं होगा, क्योंकि सुपीरियर ओवरी होती है, गुलाब में पैरी होती है, सरसों में भी सुपीरियर होती है, तो अमरूद के अंदर ये आपके लिए पोजीशन दिख सकती है। इसे हम फ्लावर को कहेंगे एपीगाइनस, क्या कहेंगे? ये एपीगाइनस पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, इसे अधिजायांगी पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिजायांगी पुष्प, है ना? तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सेगमेंट पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कुछ ऐसे, इस कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। बढ़िया, ये आपके कॉटन, मतलब बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी एरिया से भी अक्सर आता है, ये जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। गोल क्रमी जो होते हैं ना, ये क्राई 1AC और सेकेंड AB, एक तो ये आंसर, ये ऑप्शन हो रहा है इसके साथ। मक्का छेदक जो होता है ना, वो आपका ये क्राई 1AB के साथ में जाता है, तो इसलिए हमारे लिए करेक्ट आंसर फोर्थ बनता नजर आ रहा है। अब पॉसिबिलिटी कहाँ थी? यहाँ, अब फोर्थ क्राई सेकेंड AC नहीं होता, तो इसीलिए हमारे लिए करेक्ट आंसर फोर्थ ही बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसे है, पारिस्थितिकी निकेत। बढ़िया, ये निकेत, निकेत का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहकर अडप्टेशन हासिल करती है, और वो जब उस पर्टिकुलर एरिया के लिए अडप्टेड हो जाती है, तो वो उस सारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पर अपनी फंक्शनल इम्पोर्टेंस को भी शो करती है। तो इस प्रोसेस, इस जो एरिया है और इस स्पीसीज को हम कंबाइंडली निकेत के नाम से जानते हैं। निकेत, निकेत का वैसे तो मतलब होता है हैबिटेट, आवास, जहाँ के लिए वो अनुकूलित है, जहाँ नेचुरल फॉर्म में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, नेचुरल फॉर्म में वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है? तो अच्छा पॉइंट है, इकोलॉजी में फर्स्ट लेसन में ही ये दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म नहीं, ए ग्रुप ऑफ ऑल प्लांट एनिमल्स लिविंग इन ए बॉटम ओशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटर ऐसा नहीं है, फिजिकल पोजिशन फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी, बहुत बढ़िया,
ये हमारे लिए फोर्थ करेक्ट आंसर बनता है, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये, पॉसिबल मेरी नज़र में क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बढ़िया, ये आपके डोडो, ये डोडो मॉरिशस कहाँ, डोडो कहाँ से विलुप्त हुआ है अभी रिसेंटली 50 सालों में, मॉरिशस है ना। इसके थैलेसियन कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से गया है। स्टीलसीलर कहाँ से गई, रूस से। तो आप देखिए ए में आपको सेकंड कहाँ नज़र आ रहा है, ए में सेकंड यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक आंसर हो सकता है। स्टीलर काओ थर्ड, डी में थर्ड कहाँ है, आप कर लो भाई, आंसर मिल गया। ऐसे क्वेश्चन का बेनिफिट ये है कि अगर हमें एक या दो अच्छे से पता हैं तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, हमारे लिए करेक्ट आंसर सेकंड बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नो डाउट ये हमारे लिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। विश्व में सबसे अधिकतम संकटग्रस्त जलीय खरपतवार, बढ़िया, ये एक्चुअली हमारा जलकुंभी है जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, इसे एकॉर्निया भी कहा जाता है, इसे बंगाल का टेरर भी कहते हैं। तो ये बहुत आयत में उगता है, कहा जाता है कि जब ये ग्रो करता है तो जिस मैराइन वाटर, जिस एक्वाटिक मीडियम में सर्वाइव करता है वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस तरीके से ये बड़ा ही टेंशन का सबब बन जाता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, खासतौर से जिनकी पॉसिबिलिटीज। अच्छा, ट्रापा किसे कहते हो, ट्रापा कहते हैं हम सिंघाड़े को, किसे कहते हैं, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा एक्चुअली कोई टेंशन का सबब नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देखो आजकल जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अमेजोनियन फॉरेस्ट। ये कहा जाता है कि हमारे अर्थ पर ये 20% तक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी रेस्पिरेशन में या इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने में या इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अमेजोनियन फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, सरीसृप तथा पक्षियों में समष्टि गिरावट का कारण क्या हो सकता है। इसमें एक्चुअली आपके डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन में लिखा गया है, आपके बायोफर्टिलाइजर्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बायो इंसेक्टिसाइड्स ये तो नेचुरल कंट्रोलर में आते हैं, इसमें नहीं आएगा, सीवेज हो नहीं सकता। डीडीटी एक अच्छा है, डीडीटी के लिए ये कहा जाता है कि ये एयर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये तीनों तरीके का पॉल्यूशन करता है, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। और ये पहले सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था एज ए पेस्टिसाइड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपने लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। स्वस्थान एक ही, स्वस्थानीय का मतलब होता है कि जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वहीं पर उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, उसे स्वस्थानीय कहते हैं। और बाह्यस्थानीय होता है कि वहाँ अब नेचुरल हैबिटेट उनके लिए रहने लायक नहीं है, तब उन्हें एक नए प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, उसे हम एक्सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये कैसा है बेटा जी, इंसीटू कंजर्वेशन। इंसीटू कंजर्वेशन नहीं है, इंक्लूड नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान इंक्लूडेड है, वन्य जीव विहार इंक्लूडेड है, बायोस्फीयर्स ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन जंतु उद्यान ये इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन केयर के प्रेजेंस में उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी केयर की जाती है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़िया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन ज़बरदस्त है। 500 सालों के अंदर डोडो पैसेंजर पिजन स्टीलर काउ के विलुप्त होने का कारण क्या था। तो विलुप्त होने का कारण था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन, इनका बहुत यूज किया गया शिकार के फॉर्म में या दूसरे तरीके से, इसीलिए ये अब दुनिया से गायब हो चुके हैं, नेचर में अब एग्जिस्ट नहीं करते। डोडो तो एक बहुत अच्छी एक वर्ड हुआ करती थी, चिड़िया, जिसको आज भी बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, टॉयज, उनको उनमें सेप इसकी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
निम्न पदार्थ को अल्कोहल व द्वितीय बढ़िया, देखो मेरे लिए ये पॉसिबल इसी साल का क्वेश्चन है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। पिछले साल इसी साल आया एब्रिनरिसिन, उससे पहले आया लैक्टिन, कॉनकैनाबिलिन, है ना। तो इस तरीके से इस एरिया से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है आपके लिए एल्कलॉइड या फिर एंथोसाइन हो सकता है बर्णक के नाम पर, तो इन्हें याद रखना। मॉर्फिन, कोडीन, ये अफीम के दो हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बनता है, तो इसके लिए टोटल फोर्थ हमारे लिए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें क्वेश्चन में बात करी गई है, बढ़िया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मेरे लिए, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट। देखो माइक्रोन्यूट्रेंट्स की ही टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट बहुत शॉर्ट अमाउंट में चाहिए, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो अल्टीमेटली ये टॉक्सिसिटी शो करते हैं। कहा जाता है MN की अगर टॉक्सिसिटी प्लांट में हो जाए तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इनहिबिट करता है, आपके MG को इनहिबिट करता है और आपके FE को इनहिबिट करता है। तो कहा जाए कि MN की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर इन तीनों एलिमेंट की डेफिशिएंसी सिम्टम हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर क्या है, किसकी टॉक्सिसिटी होगी, MG की नहीं, मैक्रो है, ये माइक्रो है। MN की टॉक्सिसिटी NCERT में भी दी गई है, तो इसीलिए हमारे लिए फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके नेक्स्ट, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने पूरा फुल सिलेबस इसमें कवर किया है, सभी टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए हमने पॉसिबिलिटी देखी है कौन क्वेश्चन आ सकता है ना। रिपीट क्वेश्चन इसमें इस टाइप से नहीं की गए हैं कि पिछले साल आया वो फिर आ जाएगा, फिर भी आप पिछले साल का पेपर भी आप पढ़ें, रीड करें, पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट चेंज करते हुए पिछले साल के कुछ पेपर से भी एक या दो क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको संभावित पॉसिबल एरिया पर डिस्कस किया गया है, मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ में आप रिलेटेड जो एरिया हैं NCERT में उन पर भी पॉइंट आउट करें, हाईलाइट करें, ये पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है। अपने आप से अब पूछने की ज़रूरत है कि आखिर इस साल कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आप उन क्वेश्चन को खास तौर से थोड़ा सा रिवाइंड करें, अपने दिमाग में उनको एनालिसिस करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। नया कुछ नहीं पढ़ना है, अभी जो अपने पास है उसी को कलेक्ट करने की ज़रूरत है, मतलब ये ब्रॉड स्टडी थी उसको मिनिमाइज छोटे से फॉर्म में कलेक्ट करके ब्रेन में सेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम बेहतरीन काम कर पाए। ये दंगल जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओबियसली ये उसी ट्रेंड को दिखा रहा है, उसी पैटर्न को शो करता है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ओके थैंक यू।